मैं कमला नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, मैं यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ के एनवायरमेंट क्लब ग्रीन बीन सोसाइटी की कन्वीनर भी हूँ। आज यहाँ पर हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि श्री टी आर एन राव सर कंडक्ट करेंगे, और उसमें हम सीखेंगे कि हम घर में पैदा होने वाले गीले कचरे को हम घर में ही कैसे निपटा सकते हैं। ओके, व्हाट इज टॉकिंग जो मैं अभी बता रहा था वो कंपोस्टिंग के लिए, तो सेम ऐसा ही कंपोस्ट करते हैं। पहले मैं जब मैं लेके आया था जो 4,000 रुपए का वो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कचरा अगर समय से नहीं उठता है या बाहर पड़ा रहता है घरों के, तो ये एक बीमारी का घर बन जाता है। जबकि कचरा एक रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर हम उसको घर में ही कंपोस्ट करके उसमें अपने पौधे उगा करके या अपनी छोटी छोटी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली फल सब्जियां उगा कर हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर, वर्टिकल गार्डन्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के तौर पर, हम उस कचरे को एक रिसोर्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये जिस तरीके की डेमोंस्ट्रेशन आज राव साहब दिखा रहे हैं, इस तरीके की कोई डेमोंस्ट्रेशन पहले भी आपने ली है? जी, हमारे कॉलेज में इस तरीके का वर्कशॉप पहले भी हो चुका है और हमारे कॉलेज में शुरू से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज का जो ऑर्गेनिक कचरा है, जो गीला कचरा है, उसको हम अभी भी हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करके पिट्स बनाकर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने डिपार्टमेंट है आपका, इसका पूरा नाम क्या पड़ता है? जी, मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाती हूँ और इस सोसाइटी का नाम जो एनवायरमेंट क्लब है हमारे कॉलेज का, इसका पूरा नाम है ग्रीन बीन्स सोसाइटी। तो ये तो अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कमला नेहरू कॉलेज ले रहा है। तो आपने एक डेमोंस्ट्रेशन ले लिया, दूसरा लेने वाले हैं, तो क्या आपने इसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने कॉलेज में? हमारे पहले डेमोंस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने घर में ही कचरे से कंपोस्ट बनाने वाली जो बकेट्स हैं, जो किट है, जो माइक्रोबियल सॉल्यूशन कोकोपीट है, उनको ख़रीदा है और वो अपने घर में इसको शुरू भी कर चुके हैं। एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल एंड सक्सेसफुल। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप जब आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है एक, और जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें ये भी आता है और प्रैक्टिकल भी होते हैं कुछ? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होते, बट थियोरेटिकली इसमें इसके बारे में पूछा जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है जो कि मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ, और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने से हमें ये फ़ायदा होगा कि बच्चे उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी सीख पाएंगे। अच्छा, ये टोटल कॉलेज में कितने स्टूडेंट होंगे? कॉलेज में तकरीबन 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और इस डिपार्टमेंट में या इस तरफ जो उनकी रुचि है वो कितने हो सकते हैं? हमारी सोसाइटी में 150 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और वो अलग अलग मौक़ों पर हमारे साथ आकर इस पे काम करते हैं। तो उनका रुझान कैसा रहता है? उनका रुझान अच्छा रहता है, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए दे आर ऑलवेज वेरी। नहीं, इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी भी कहते हैं कि आप स्वच्छता की ओर जाइए या इस तरीके से काम करिए जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। तो आने वाली जो जनरेशन है, अगर वो सीखती है और पढ़ाते हैं और वो प्रैक्टिकली समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे कॉलेज में भी ये इनिशिएटिव लिया गया है, हर तरीके के कचरे के लिए हमारे यहाँ 2 डस्टबिन रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, ब्लू एंड ग्रीन, रिसाइकलेबल वेस्ट, जो कि सूखा रहने पर हम उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी, एक उसका आर्थिक लाभ भी हम लोगों को और दूसरे लोगों को मिल सकता है, वो भी मिलता है, और ये गीले कचरे से कंपोस्ट बनाकर हम अपने आसपास हरियाली भी फैला सकते हैं। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, ये आप इसमें पढ़ाते हैं, लेकिन इस सोसाइटी या क्लब में आपकी क्या भूमिका है? फिलहाल मैं पिछले तकरीबन एक साल से इसकी कन्वीनर हूँ और पिछले 3 या 4 सालों से मैं इसकी मेंबर भी रही हूँ। अच्छा, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और मेरे साथ मेरे कॉलीग्स हैं, 7-8 मेंबर्स हैं और जो कि इसमें काम करते हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स इसी टाइप के उसमें लेते रहते हैं हम बच्चों के अवेयरनेस। धन्यवाद।